है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि जब भी हम मेंटेनेंस का काम करेंगे या पीपीएम का काम करेंगे तो पहले हमारी सेफ्टी के लिए, हम पर्सनल सेफ्टी के लिए जैसे हेलमेट लगाएंगे, सेफ्टी शूज होने चाहिए और ग्लव्स होने चाहिए सेफ्टी वाले, अगर हम कुछ काम करें गोगल्स ही जैसे रिक्वायरमेंट के। लेकिन मेन चीज ये है शूज हेलमेट ये तो होना ही होना, फिर वो काम पे डिपेंड करेगा क्या। तो कभी कभी क्या होता है कि हम पीपी और टूल्स में भी कंफ्यूजन हो जाता है हम लोगों को कि पीपी कौन से हैं, टूल्स कौन से, जैसे हमारा प्लास हो गया, वायर कटर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये चीजें टूल्स में आ जाती है अलग से, और पीपी में हेलमेट शूज ग्लव्स गोगल ये बेल्ट भी आता है हमारा पीपी में। इसे क्या बोलते हैं, ये जो हमारा इसे सेफ्टी हार्डनेस भी कहते हैं, ये वो नहीं वो ये जैकेट, ये भी एक पीपी में ही आता है जैकेट होता है। ये जैकेट जैसे रात में हमको काम करना है तो क्या होता है, रिफ्लेक्टिव जैकेट, रिफ्लेक्टिंग जैकेट होती है ये, तो रात में हम काम करेंगे तो फिर ये रिफ्लेक्ट करेगी अंधेरे में लाइट पड़ने इस पे, जैसे कोई भी लाइट पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट करेगी इसके, हाँ कोई पर्सन काम कर रहा है, जैसे हम रोड के पास कोई डीपी पे काम कर रहे हैं तो इस पे लाइट पड़ेगी तो ये अलग। अगर दिन में भी हम आप काम कर रहे हैं और आपने देखो इस तरह का पहना हुआ है तो ये दिस इज द डिफरेंट कलर, जो जो लोग आंख के अंदर चुभता है तो आप इजीली भी ऑब्जर्व कर लोगे भाई क्या भीड़ है या कुछ भी चल रहा है तो इजीली रिफ्लेक्ट मतलब उसको कॉन्टेक्ट में आ जाता है। इसको पहनेंगे तो कोई भी दूर से देख के समझ जाएगा कोई काम चल रहा है कर रहा है। आ जाइए आप आइए इसको बांधिए इसको बेल्ट बांधिए आओ। इसके बारे में पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताओ कि बेल्ट क्या चीज है, कैसे क्या होगा, तो क्यों दे रखे हैं, कैसे लॉक होगा अनलॉक होगा, थोड़ा बताओ। ये सेफ्टी बेल्ट होता है इसको फुल बॉडी हार्नेस कहते हैं। ये जब भी हम 3-5 फीट से ऊपर की हाइट पर हम काम करेंगे तो इसका यूज करेंगे, पहले इसको पहनेंगे हम। ये स्टैंडर्ड है क्या? हाँ स्टैंडर्ड है, 5 फीट का है, 5 फीट का अलग अलग जगह थोड़ा सा नहीं 5 फीट स्टैंडर्ड, हाँ 5 फीट का सुपर। ये उक्स क्या है, पहले उक्स के बारे में बताओ थोड़ा क्या। ये दो लॉक होते हैं, एक तो जहां पे हम काम करेंगे वहां पे जो भी होगा या पूल हो सकता है या आसपास कोई जगह होगी उसको लॉक करते हैं, इससे इसको लॉक कर लेंगे। कैसे लॉक होगा, कैसे लगेगा, इसको यहाँ से दबाना है करने के लिए इसके ऐसे ठीक है लॉकिंग सिस्टम है ये, भाई कोई खुलेगा नहीं अपने आप खुल नहीं सकता, ये दबाना पड़ता है, अदरवाइज ताकतवर करेगा उसको, बिना दबाएं इनको दो, बिना दबाएं पीछे जब लॉक को मत दबाना, इसको करके दे बिना लॉक को दबाएं, इसी को मतलब ये लॉक को ना इसको मत दबा, अरे से देख खुलेगी नहीं मतलब ये बकरी, अभी क्या हो गया ना ये लॉक है पूरा, जब तक इसको नहीं दबाएंगे लीवर को ये माउथ का ऊपर नहीं होगा, तो ये दो इसीलिए दे रखे हैं भाई हम लोग काम करते हैं भाई हाइट पे कुछ भी काम कर रहे हैं, हमने एक जगह लगा एक लगा दिया क्या पता वो टूट गया, तो एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए दो जगह भाई अलग अलग जगह, एक यहाँ लगाना है एक यहाँ, मतलब ऐसा नहीं है एक पाइप सा लगा उसी में एक इधर लगा दिया एक इधर लगा दिया, डिफरेंट डिफरेंट पाइप में लगेंगे डिफरेंट डिफरेंट जहां से हमें सपोर्ट मिल जाएगा ठीक है। और इस पे सब इस पे वजन जब आता है, इस पे वजन जब आता है बाई चांस आप काम कर सीढ़ी पे काम कर रहे हैं गिर गए या कुछ भी होगा या ऊपर कहीं काम कर रहे हैं जिस फाउंडेशन पे काम करते हो टूट गया तो आप लटक के आपकी कुछ इंजरी नहीं होगी। सर क्या कहते हैं, सेफ्टी बेल्ट ही बोलते हैं सर, ये दोनों को दबाना हाँ देखो इसको तो दबाएंगे तो ये लो कट गया, ये है आगे कुछ बोलते हैं क्या है,
इसको नीचे रख दो, ये दो दोनों जो है इनकरेक्ट हो गए। लीक है ना, आगे चलिए आगे। ये पहली चीज अभी क्या कर रहे थे ना, ये वाला हिस्सा ये ओपन रहेगा, मतलब ये ऐसे रहेगा बाहर। तुम लोगों ने क्या कर दिया, ये नीचे की तरफ आ गया, ये बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। अभी देखो इसमें क्या है ना, दो तरह की आती है, एक फुल बॉडी की आती है और एक हाफ होती है। तो ये फुल बॉडी की है एक तरह से, जैसे ये है इसमें हाथ डालने का, इसमें हाथ डाल, ठीक है। इसमें एक हाथ इसमें डलेगा, एक हाथ इसमें डलेगा। यहाँ से यहाँ मॉल के ऊपर ले चलिए, ये कुछ उलट पुलट होगी नीचे से। देखो इसमें क्या है ना, ये लॉक सिस्टम दे रखा है, ये इसके अंदर ये ऐसे बटन को साइड में, ये देखो ये टांके से इधर आया, ये है लॉक हो गया, ठीक है। दूसरा है ये नीचे को, ये रहा इधर, ये इसके अंदर ऐसे बन जाएगा, ये लॉक, पैर लॉक हो गए ऊपर से है, ये कंप्लीट हो गया। ये देखो ये क्या है, ऊपर एयर में, ठीक है, इसके ऊपर एयर में है, तो जैसे भी होगा ना पूरे नहीं हो जाए, इसको हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना है तो एडजस्ट हो जाएगी, छोटी बड़ी होगी छोटी बड़ी। नहीं, सिंपल सा है, चार पांच बार लगा के देखोगे, फोटो से तो कुछ नहीं समझ आया, जैसे मैंने भी लगाई अभी समझ में नहीं आ रही थी, एक आध ब्रश इधर उधर हो गई तो गड़बड़ हो जाता, डायरेक्शन समझ में कौन सी चीज की जा रहा है, एक ऊपर चेस्ट पे आता है कई बार, ये ना अभी तो इसमें है ऐसी बनी बनाई आती, पहले एक ताम डालनी पड़ेगी, फिर नीचे से पहननी पड़ेगी, फिर ऊपर से इस तरह पहननी, मतलब अलग अलग तरह की, ये थोड़ी सी महंगी वाली है मतलब अच्छी क्वालिटी वाली है, उसमें सामने होगा सर ये वाला रस्सी। जैसे क्या रहता है ना, जो दूसरी वाली बता रही है वो कैसी होगी, जैसे ये लगा हुआ वाली तो ऐसे, जैसे एक पैर पहन लिया मैंने, ये नीचे से पहन लिया, ये वाला हाथ ऐसे डाल लिया, ये वाला ऊपर आ गया, तो इस तरह करके पहनते हैं, तो एक बेसिक वाली रहती है उसको, और ये इस तरह करके पहनते हैं, ये वाले तो मंदिर एडजस्ट करने नहीं आता, ठीक है।
अभी आप लोग ट्राई करके इसको देखना, क्योंकि ये बहुत काम आता है सही। अरे सेफ्टी बेल्ट ही नहीं लगाने, बहुत कम लोगों को बांध नहीं आती है। हमारा पीपी जो है वो सही है या नहीं, बेल्ट को देखना होगा कि कहीं से हमारी बेल्ट की सिलाई तो नहीं निकल रही है, ग्लव्स हो गया हमारा ग्लव्स पंचर तो नहीं है, और हम काम कर रहे हैं तो पीपी पहनने का कोई मतलब ही नहीं रहा। इसमें हवा ऐसे ये तो खैर पंचर है, हवा नहीं आ पड़ेगी इसमें, थोड़ा सा दूसरा हो गया ना, दो हैंड है, दो हैंड है ना, एक और था ना। हाँ तो इसमें क्या है, हम लोग हवा भर के ऐसे देखते हैं तो क्या होता है, ये टाइट हो जाता है, इसमें हवा एयर होती है, अगर ये ऐसे लीक कर रहा है तो ये पंचर है। ऐसे थोड़ा सा दबा के देखेंगे, लीक नहीं होना चाहिए एयर, तो वो समझ लो वो हमारा सही है। जब हम वीसीबी की वीसीबी को ब्रेकआउट करेंगे, हैंडल की चोट देखते हैं इसके ऊपर, इसमें देखो डेट रेटिंग और डेट, डेट एक्सपायर भी वैसे ज्यादातर एक्सपायरी पड़े रहते हैं, एक्सपायर नहीं होनी चाहिए एज पर स्टैंडर्ड देखा जाए। वीसीबी को हम रेकआउट करेंगे जो हैंडल होगा, तो उसको भी हम इसी को पहन के ही करते हैं, जहां तक LTHT में ट्रांसफार्मर में गए या कहीं पे गए ना, तो ये अपने ग्लव्स यूज करते हैं। वैसे तो ट्रांसफार्मर को अर्थ किया होता है, पैनल है, सारी चीजों को भी अर्थ करते हैं। ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, इस टाइप के लेवल पे जो लाइन में जो काम करते हो वो भी दिखाया है। हां ये अपना LT ग्लव्स है, ST ग्लव्स से मोटा होगा वो, सर कपड़े से भी होता है उसमें, नहीं कपड़ा तो वो डिपेंड करता है, इसी तरह ज्यादातर इसी तरह का होगा, इसी में थोड़ा सा इंसुलेशन ज्यादा होगा। 33 वाला रेड कलर का होता है। हाँ रेड कलर। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। जहाँ तक बड़े-बड़े सबस्टेशन में होता है रेड कलर का। आइसोलेटर को हम इसके ऊपर मार्किंग होगा, देखो ग्लव्स के ऊपर लिखा होगा भाई कितने केवी तक उसको यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा ब्लैक कलर का वो है। देखो कलर कोडिंग उन्होंने दी गई है, कोई कलर कोडिंग दी है इन्होंने, बट अभी मेरे को कलर कोडिंग में आप लोगों को डिफाइन नहीं कर सकता हूँ। आपका 11,000 में और LT में इसी तरह इसी कलर में आता है, और अभी उसमें लिखा रहता है 11,000 वाला मोटा हो जाता है, और इस तरह का स्पेक्स भी होते हैं ABC का स्टैंडर्ड के अंदर। पंचर नहीं होना चाहिए, जैसे अगर पंचर नहीं होगा तो इसमें से एयर नहीं निकलेगी, थोड़ा सा ऐसे दबा के देखेंगे, अगर बाई चांस लीक है तो वो पंचर है, उसको यूज नहीं करेंगे हम, उसको वहां से हटा ही देंगे हम, हमारे पीपी में उसको शामिल नहीं करेंगे, या तो उसको फाड़ के कहीं अलग रख दो, पीपी में नहीं होना चाहिए। बाई चांस आपने चेक कर लिया, दूसरा कोई आया उसने सोचा सही है यूज कर लिया, दिक्कत आ जाएगी। ये चीजें सबसे पहले बहुत ही जरूरी होगी अपनी खुद की सेफ्टी के लिए, काम करने से पहले ये चीज देखना बहुत जरूरी है। ये ग्लव्स होते हैं, जैसे हमें कोई वाइंडिंग करना है या छोटा काम करना है तो इसको भी पहन के हम काम कर सकते हैं। ये बेसिक है, ये तो मतलब ये प्रोटेक्ट टेक्निकल बात मैंने, जैसे भाई आपने पहना हुआ है वो तो भाई कुछ क्लीनिंग कर रहे हैं कुछ है उसके लिए पहन है। ये जैसे उस दिन हम ऊपर यहाँ पर लाइट लगा रहे थे तो ऊपर से कोई कचरा ना आ जाए कुछ है, या फिर हम ड्रिलिंग मशीन चला रहे हैं धूल कचरा नहीं आ जाए, इसलिए इसको ब्लोअर चलाते हैं जब क्लीनिंग करते हैं ना, जैसे पैनल की क्लीनिंग करते हैं तो पहले उसमें ब्लोअर होता है, एयर ब्लोअर होता है, उससे प्रेशर से हम एयर मारते हैं तो उस कंडीशन में यूज करते हैं। यूँ समझो कि जहां पर भी आपको लगे, बताए ना स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज करना है, यार इससे तो मेरी आंख में कुछ गिर सकता है तो उसके लिए चश्मे हैं, आपकी आंख की प्रोटेक्शन के लिए आपके चश्मे हैं। ये होता है हमारा ईयर, ईयर मफ बोलते हैं, ईयर प्लग होते हैं इसको, ईयर मफ बोलते हैं, ईयर मफ। जैसे उस दिन डीजी में हम लोग गए, भाई डीजी के अंदर मतलब रूम के अंदर डीजी चलेंगे तो बहुत साउंड होता है, या चिलर रूम में गए आप लोगों ने चिलर चलता होता है नहीं देखा, चिलर चलता है तो बहुत ज्यादा साउंड होता है, तो उस रूम में हम बैठना है सपोज,
तो ये लगा के ही हम बैठ सकते हैं, या इंस्पेक्शन करना है या एक घंटे की कुछ भी करना है तो ये लगाएंगे, अदरवाइज बहरा हो सकता है आदमी कंटिन्यू इतना तेज साउंड। हमारी कान के लिए एक लिमिट बनी है साउंड की, इतने होना चाहिए, उससे ज्यादा है तो हमें यूज करना है। काफी लंबा हो जाएगा। ये भी एक टैग टाइम है, टैग होता है इसमें लिखा रहेगा डेट, यहाँ पे टाइम, और इसमें सिग्नेचर कर देंगे कब से कब तक। ये होता है कि काम आगे प्रोग्रेस कर रहा है, काम चल रहा है। वार्निंग लगाते कैसे हैं उसको, किस जगह लगाते? लॉक के साथ, लॉक के साथ लगा। वो जो लॉक है उसी के साथ ना सर, एक लॉक है वहां पर वो जो लोग उस दिन लगाया था ना आप लोगों को। हाँ हाँ सर, बड़ा वाला ये इसमें इसमें इसको यूज नहीं करते हैं, इसके साथ तो डेंजर वाले नहीं। देखो वो अलग अलग टैग होते हैं, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो टैग खत्म हो गया है कुछ भी है तो आप इस तरह के टैग को भी यूज कर सकते हैं, तो वो उसमें कंसर्न नहीं है। जैसे अभी हम लोग इन लोगों ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है, तो थोड़ा थोड़ा कोई भी चीज करनी है हमें, कोई भी देखो लोटोमीटर पीपीएम का यूज कब करेंगे, जब हम मेंटेनेंस करते हैं, जब हम मेंटेनेंस करते हैं किसी भी इक्विपमेंट का, उसके अलावा तो कोई दूसरी है ही नहीं, या नया इक्विपमेंट लगाना है मेंटेनेंस करना है, तो नया इक्विपमेंट लगाना है या मेंटेनेंस करना है उसके लिए क्यों जरूरत पड़ेगी, अपने और इक्विपमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। तो दोनों चीजें हैं, ह्यूमन और इक्विपमेंट प्रोटेक्शन के लिए। हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, कोई भी मेंटेनेंस होता है, सबसे पहले उसका एक प्रोसीजर होता है, हमें परमिशन देनी पड़ती है। सबसे पहली चीज होती है परमिशन। फिर परमिशन किसे लेंगे, अभी सीनियर मैनेजमेंट है, आपको अपने सुपरवाइजर से लेनी है, जब सुपरवाइजर बन जाओगे एक मैनेजर से लेनी है, जब मैनेजर बन जाओगे क्लाइंट से लेनी है, ठीक है। ठीक है, तो वो रहता है भी एक सुपर टेक्नीशियन है, वो थोड़ी भी क्लाइंट से जाके कराएगा, तो वो काम रहता है मैनेजर का या तो इंजीनियर का कि परमिशन दिलाना। तो जो परमिशन है हमारा, जैसे उस दिन हम बात करते हैं हॉट वर्क परमिट, जो परमिशन या परमिट, हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट और जनरल वर्क परमिट, तो इस तरह के वर्क परमिट होते हैं। हॉट में भाई हॉट का मतलब कोई भी वेल्डिंग का या इस तरह का काम हो रहा है वो हॉट वर्क परमिट होता है। उस तरह का काम करते हैं तो हमें फायर फायर की जो चीजें हैं ना, फायर एक्शन फायर बकेट, जिस तरह का कर रहे हैं उस तरह की चीज हमारे पास होनी चाहिए। जब भी फायर की परमिशन होती है, उसकी पूरी एक चेकलिस्ट होती है, अरे भाई इसने सिलेंडर लगा लिया है, हाँ जी लगा लिया है, इसने बैरिकेटिंग कर दिया है, हाँ जी कर दिया, तो पूरी एक लिस्ट ही होती है, वो देख के हमें आगे अलाउ करना होता है। उसमें फिर नीचे सिग्नेचर होते हैं आपके मैनेजर के, या जो भी अथोराइज पर्सन होते हैं उसके सिग्नेचर होते हैं। तो ये परमिट होते हैं, सबसे पहले होती है परमिशन, भाई हमें मेंटेनेंस करना है, इसकी परमिशन चाहिए, तो परमिशन हम लोगों को मिलती पहले से। परमिशन मिल गई तो अभी हमें काम करना है, तो काम करते टाइम सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, भाई लाइट तो बंद, भाई पैनल पर काम करना है तो लाइट बंद करनी पड़ेगी, ठीक है। लाइव भी कई बार काम करना पड़ता है, लाइव सिचुएशन दूसरी। अभी हम कर रहे हैं कि लाइव वर्क नहीं कर रहे हैं हम लोग, हमने पैनल को बंद कर दिया, भाई मैंने गया एयर सर्किट ब्रेकर को मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है भाई एयर सर्किट ब्रेकर को तो ऑफ कर दिया, ठीक है मैं आ गया, आके भाई और कोई है पता नहीं क्यों बंद कर रखा है उसने, जहां ऑन कर दिया, तो उसके लिए कुछ प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी। वो क्या प्रोटेक्शन होती है, लोटो किट, LOTO, लोटो, लोक आउट टैग आउट। लोक का मतलब ताला, ताला होना, लोक का मतलब लोग, ये वाला लोग, टैग का मतलब ये टैग, ठीक है। जैसे हम उसको ड्रा आउट बोलते हैं ना, तो वही इसको लगा सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, ड्रा आउट, ठीक है। तो टैग आउट मतलब टैग लगाना, लॉक लगाना, लॉक रखेगा, ठीक है। तो हम उस इक्विपमेंट में अगर ताला लगा दिया, ये चीज लगा दी, तो क्या होगा, प्रोटेक्शन होगा, भाई ऑन ही नहीं कर सकता, ताला मार दिया तो वो कर ही नहीं सकता है, तो हमारी लाइफ सेफ हो गई। तो अलग अलग इक्विपमेंट को, जैसे आपका एसी भी है, एमसीसी भी है, एमसीबी है, या और कोई है, आइसोलेटर है या कोई भी स्विच है, उनको लॉक करने के लिए अलग अलग जुगाड़ आते हैं,
ठीक है, हम उसको लॉक कर देते हैं और ये जो पूरी किट है इसके अंदर सारी चीजें अपनी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे उस दिन आप लोगों ने देखा था ना एमसीपी को हमने लॉक किया था, तो उसी तरह अलग अलग चीजों को जैसे ठीक है आप लोगों को टूल दे देंगे, आप अपने हाथ से लॉक करके इधर एमसीबी को देख लेंगे। ठीक है, कैश पड़ा है किसी के पास?